Morning students, today our topic is tree topology. In last videos we studied bush topology, star topology, ring topology and mesh topology also. Okay, let's start tree topology. The tree network topology uses two or मोर बस एंड स्टार नेटवर्क कनेक्टेड टुगेदर. जब दो या दो से अधिक बस हो या फिर स्टार नेटवर्क हो, ये कनेक्टेड हो, तब बन जाएगा अपना ट्री टोपोलॉजी. ओके, ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी बन जाएगा. द हब और स्विच बॉक्स ऑफ द स्टार नेटवर्क, जो स्टार नेटवर्क वाला हब और स्विच है जो सेंटर में है, वो उसकी बात हो रही है टू ए मेन बस, वो होगा मेन बस. इस प्रकार से इसे हम मेन बस बोल सकते हैं. ओके, दस ए ट्री नेटवर्क इज ए बस नेटवर्क ऑफ स्टार नेटवर्क. ओके, इसलिए स्टार नेटवर्क और बस नेटवर्क ये दोनों मिलके हमारे लिए ट्री नेटवर्क बनाते हैं. जैसे ये हमारे पास मेन हब हो गया या नोड हो गया, ठीक है. अब इसके नीचे ये वाले, इनको हम क्लाइंट बोल सकते हैं या फिर चाइल्ड नोड बोल सकते हैं. ओके, अब इनके भी चाइल्ड नोड हो गए या क्लाइंट नोड हो गए, इसको हम बोलेंगे मेन नोड या फिर पेरेंट नोड. ओके, पेरेंट नेट से कनेक्टेड टू चाइल्ड नोड. अब इन चाइल्ड नोड के लिए ये वाला पेरेंट हो गया, इन चाइल्ड नोड के लिए ये वाला पेरेंट हो गया. इस प्रकार बहुत बड़ा ट्री बना सकते हैं ट्री टोपोलॉजी में. ओके, ये हो गया मेन बॉक्स या मेन हब. अब यहाँ से पहले ये दो क्लाइंट अटैच हुए इससे, यानी कि दो नोड अटैच. अब ये पेरेंट चाइल्ड पेरेंट नोड बन गया और ये चाइल्ड बन गए, ठीक है. अब इनके भी नीचे बहुत सारे ऐसे अटैच कर सकते हैं, यहाँ पर भी दो क्लाइंट, यहाँ पर भी दो क्लाइंट, यहाँ पर भी, इसके नीचे भी दो क्लाइंट, इस तरह. अब ये बन गया ट्री के रूप में बन गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब ये इनकी ब्रांचेज स्टार्ट हो गई. इस प्रकार ये बन गया ट्री टोपोलॉजी. अब इसमें देखिए बस टोपोलॉजी भी लगा है. बस कैसे लगा है, जैसे ये वायर है, ठीक है. अब इसी को मेन वायर बोल देंगे. अब मेन वायर से ये वाले नोड अटैच, ये अटैच, ये अटैच, ये भी अटैच, ये भी. और स्टार टोपोलॉजी कैसे, जैसे वाला है नोड, अब इस नोड से ये वाला भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है. इस प्रकार से ये स्टार टोपोलॉजी को भी सपोर्ट कर रहा है. ये दोनों मिलके भी, स्टार और बस मिलके भी ट्री टोपोलॉजी को बनाते हैं. ओके, ट्री टोपोलॉजी ऐसे ही बनता है. ओके, एडवांटेज, ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेज. इट इज इजी टू डिटेक्ट ए फॉल्टी डिवाइस, ठीक है. इसमें अगर कोई नोड या डिवाइस फॉल्ट हो जाए तो आसानी से डिटेक्ट हो सकता है. ओके, इट इज़ इजी टू एक्सपेंड ए नेटवर्क. इसमें नेटवर्क को बढ़ाना इजी है, यानी कि अब यहाँ से दो नोड या दो कंप्यूटर और ऐड किए जा सकते हैं, इनके दो चाइल्ड बनाए जा सकते हैं. ओके, यहाँ पे या फिर इधर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या इधर भी, या इधर भी, ऐसे कर सकते हैं. दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इधर तीन भी कर सकते हैं, चार भी, कितने भी. इसको बढ़ाना बहुत इजी है. अच्छा, इसके डिसएडवांटेज, इफ़ द मेन केबल, बैकबोन जिसे बोलते हैं मेन केबल, लाइन ब्रेक, द इंटायर सेगमेंट गोज डाउन. ओके, अगर ये वाला केबल ही ख़राब हो जाए, ये वाला, तब ये इससे कनेक्ट हो जाए, डिसकनेक्ट हो जाएंगे. ओके, इससे, या फिर ये वाला केबल ख़राब हो जाए तो ये वाला इससे डिसकनेक्ट हो जाएगा, ये इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. ओके, ये इसका ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज. इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी, ठीक है. ये और टोपोलॉजी से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कॉन्फ़िगर करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री बन जाता है. इसके भी चाइल्ड, इसके भी चाइल्ड, उसके भी चाइल्ड, इसके भी चाइल्ड, इस प्रकार से थोड़ा
थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।